सब खा रहे हैं ना, ऐसे कहीं हमारा बंटी भी खाए ना सुकून के साथ, इनके साथ बैठ के सुकून से, जैसे भी सारा कुछ पड़ा। सोनू को हमारे का तो पेट भरा हुआ है, वो तो चला गया मुंह मोड़ के उधर को। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार, आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो एक सब्सक्राइबर लाइक तो बनता है ना यार, प्लीज। देखो तो ये चाय खा के चेक करो तो मीठा कितना प्यारा लगता है आपको, आपके लिए लाए। शाबाश शाबाश शाबाश, मीठी मीठी चीजें। अस्सलामुअलैकुम जी, आज हम आए हैं जी यहाँ पर एक मेट करवाने के लिए। ये है जर्मन शेफर्ड फीमेल है, ये भी मेरे दोस्त हैं, दोस्त आए हैं और ये भी मेरे दोस्त हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ना मैं करवाने आया हूँ इनका क्रॉस, इनका नहीं इन वाले फैमिली का। इनके पास एक पड़ा हुआ है जर्मन शेफर्ड मेल, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है, तो अभी हम इनको मेट करवाएंगे एक दूसरे के साथ। तो आपके साथ मैं ये वीडियो शेयर करूंगा। इसका नाम अभी पता नहीं मुझे क्या रखा हुआ है, क्या नाम रखा है भैया आपने? नहीं, नाम कोई भी नाम नहीं रखा, लेकिन मैं इसका नाम आपको वीडियो में ही अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि जब इसने छोटे छोटे से बेबीज देने हैं ना, उसमें से एक या दो मेरे भी होने हैं, इसलिए भाईजान को मैं लेके आया हूँ। और इनका भी जो है हमारे पास मेल है ना, जो डॉग जर्मन शेफर्ड माशाल्लाह बहुत प्यारा, उसका क्या नाम रखा हुआ है? कार्लो। कार्लो के साथ होगी, इसका क्या नाम रखे? शिबा। लो जी, कार्लो और शिबा का आज मेल होने जा रहा है, तो चले चलते हैं हम अंदर, आपको इनका मेल दिखाते हैं जी। आगे हैं जी कार्लो और शिबा, दोनों आपस में सलाम दुआ कर रहे हैं, आपस में सलाम दुआ होती है, तो फिर देखते हैं क्या करते हैं ये। और ये दोनों जो ओनर है ना, ये दोनों अपने अपने डॉग्स को पकड़े हुए हैं और देखते हैं क्या कर रहे हैं। शमीम भाई क्या करेंगे सबसे पहले? ये मीटअप करेंगे आपको, एक दूसरे को अपना नाम बताएंगे कहाँ से आए हो, है ना, जैसे हम बताते हैं और मैं फलाने पेंड तो आया तो ऐसे ही ये एक दूसरे को बता रहे हैं माशाल्लाह। और जो डॉग है ना माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत डॉग है, और जो फीमेल है माशाल्लाह वो भी, जो डॉग है ना वो डबल कोटेड है, और जो फीमेल है ना इसकी वो मेरे ख्याल से सिंगल कोट है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं। कुछ वक्त लेंगे ये अपने क्रॉस करने में, तो वीडियो के साथ साथ चलते जाएंगे हम। इन्होंने इधर हमारे सामने कुछ नहीं करना, क्योंकि इनकी प्राइवेसी होती है ना कुछ, तो हम इनको अब इनके केज में छोड़ते हैं। केज में जब छोड़ेंगे तो फिर आपस में दोनों ही एक दूसरे के साथ सलाम मशवरे के साथ जो भी करना हुआ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके केज में छोड़ दिया है, यहाँ पर केज में इन्होंने कूलर वगैरह भी इसको लगाया हुआ है, अंदर जाने की मैं कोशिश करता हूँ। बेल्ट भी छोड़ दे हाँ, बंद इसको कोई केज में छोड़ दिया है जी दोनों को, और हमें ये कह रहे होंगे कि यहाँ से आप जाओ, ठीक है ऐसा ही है शमी भाई? वो कह रहे हैं साइड पे हो जाओ, हम दोनों को अलहदा छोड़ दें। इनको हमने छोड़ा था लेकिन अभी इनका कोई क्रॉस नहीं हो पा रहा, लेकिन अभी हम पकड़ेंगे अपनी जो शिबा को पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद हम इसका क्रॉस करवाएंगे। लेकिन ये जो हमारा कार्लो है ना पूरा अग्रेसिव हो गया इस वक्त, लेकिन देखते हैं कैसे क्रॉस करते हैं, अभी पूरी कोशिश में है, पूरी ट्राई में है वो क्रॉस कराने में। अभी पकड़ेंगे शिबा को पकड़ के इसको आगे से, तो फिर ये दोबारा से क्रॉस करेंगे इसका। हमारे ना कार्लो हमारा जो है यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो हम ना यहाँ पर इसको फीमेल को हमने बांध दिया है अब यहाँ पर, और इससे होगा ये कि ये आगे भागेगी नहीं, तो हमारा कार्लो ना इसको अच्छी तरीके से क्रॉस कर पाएगा। तो मेट नहीं किया, आपस में क्रॉस नहीं किया, हम फाइनली इसको यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, और इसको छोड़ने के बाद एक दो दिन यहाँ पर रहेगी तो ये आपस में क्रॉस कर लेंगे। तो हम चलते हैं अभी अपने सेटअप पर, वहाँ पर अपने पेट्स को देखते हैं क्या सीन बन रहा है, क्या कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ से काट रहा है जी घास, यहाँ पर डक्स गंदे पानी में घूम फिर रही है, गंदे पानी से पता नहीं क्या क्या निकाल के खा रहे हैं यार, समझ नहीं आ रही ये इनको क्या अच्छा लगता है इसमें से। लेकिन डक्स का ये होता है कि डक्स बीच में से ना बहुत कुछ चीज़ें बीच में से ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ये गटरों का पानी है, गटरों के पानी में से ना पता नहीं क्या क्या चीज़ें इनके खाने वाली होती हैं, जो कि इनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती होंगी, इसलिए ये बीच में से निकाल के खा रहे हैं। अपने रैपिड्स के लिए हम अपनी डाइट इकट्ठी कर रहे हैं, डाइट इकट्ठी करने के बाद चलते हैं उनको डालते हैं। यहाँ से उठाओ, ये बड़े बड़े घास हैं, ये भी उठाओ, ये देखो यहाँ से, ये बड़े वाले आज के दिन के लिए तो यहाँ से होगी ना। चलो यहाँ पर के हम घास वगैरह तोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन आप लोग क्या हैं,
कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते यार। अली देखो कितनी मेहनत कर रहा है अपने जो जो फैमिली के लिए, उसे ये तोड़े भी नहीं जा रहे, देखो 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 है। तो काइंडली हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें यार। घर में बैठा हुआ है यहाँ पर, मैंने तो अपने रैबिट्स फैमिली के लिए ले गया था, लेकिन ये जो है ना इसमें बदाना वगैरह है, मीठा वगैरह है, ये इनको डालते हैं, देखते हैं कितने शौक से खाते हैं। चलो चलो शाबाश, आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ आ गया हूँ। चलो वैसे तो अभी इनके पोटे चेक कर रहे हैं आप, पोटे सारे भरे पड़े हैं लेकिन फिर भी ये भूखे। हाँ जी, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं, आपके लिए। हाँ नहीं, पिंकी नहीं खुली। ये देखो आ गए सारे, सारी फैमिली आ गई है, इनको पता चल गया है कि हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आए हैं। ये देखो तो ये चाह खा के चेक करो तो मीठा कितना प्यारा लगता है आपको, आपके लिए लाए। शाबाश शाबाश शाबाश, मीठी मीठी चीज़ें क्या, कितने शौक से खा रहे हैं ना अली यार, बड़े प्यारे से है ना, है मज़े से। वो भी ले गया, ले जाए कोई बात नहीं, वो उसके पीछे छोनू के पीछे भाग रहा है यार। ये हमने ना जितनी जब से ना हमने ये रैबिट्स वगैरह ज़्यादा लाए ना, कितना गंद पड़ गया है ना इधर से। अब तो सफाई भी ज़्यादा की करनी पड़ा करेगी, सफाई तो हमें ज़्यादा करनी पड़ा करेगी, लेकिन यार आपको चैनल को सब्सक्राइब भी ज़्यादा करना पड़ेगा यार, क्योंकि वो क्या हुआ, मैंने तो कैमरा ऐसे उल्टा किया था और ये डर के। तो आप लोग खाओ, आप लोगों के लिए ना जो जो फैमिली के लिए मैंने पट्ठे भी लेके आए हुए हैं, पट्ठे भी इनको खोल के रखते हैं। वो हमारा उधर ना अली, वो चेक करो उनको कितना उतावला, लेकिन हमने ना इसको नहीं खोलना क्योंकि ये हमें तंग करता है, अली को भी तंग करता है ना। आज नहीं छुट्टी है, परसों को इसकी छुट्टी नहीं है। वो उसके पीछे क्यों भाग रहा है। चलो यार इनको खाने दो, हम ना अपने कबूतरों को भी खोल देते हैं और देखते हैं यार वो हमारे बेबी पिजन जो था वो ठीक हुआ। सारे कैसे यार लगे हुए मीठा मीठा खाने के लिए, इनको अच्छा लग रहा है ना अली मीठा मीठा खाने के लिए ना। आज रांझा भी बाहर आके लगा हुआ क्योंकि भूख लगी हुई थी इसको, तो आज हमारा रांझा भी बाहर आके बैठा हुआ है। बैठा तो नहीं हुआ यार लेकिन खा रहा है, खाने दो। ये घास वगैरह ये भी बड़े शौक से खाता है, नीचे से तोड़ तोड़ के है ना, जैसे कि आजकल सर्दियां आ जानी हैं तो हमने भी साग वगैरह पका पका के खाया करना है ना, ऐसे ही ये भी जैसे इनकी डाइट नहीं है, ये मे भी हो इनकी डाइट भी, लेकिन ये खा रहे हैं तो खाने दो इनका। हरियाली जो होती है ना, ये जो क्या नाम है पट्ठे वगैरह, ये जो वो कितना जो बड़ा ये वाइट वाला कितने बड़े बड़े खा रहा है यार। कभी हमारा जो जो ना इतना बड़ा नहीं खाया होता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा खाता है। ये देखो कितना कितना बड़े खा रहा है, इन्होंने अब छोड़ दिया ये। नहीं बस करो अली साहेब, बस करो, ये इतना ही बहुत है। माशाल्लाह से सारे यहाँ पर हैं, अभी ये कल को डाल देंगे, सुबह को डाल देंगे, अभी ये इतना ही खा लें सारे, तो फिर हम इनको और डालेंगे, अभी ख़त्म कर लें ये। फटाफट से कैसे बाहर आए हैं, उतावले हुए थे ये भी, तो हमने इनको भी सारों को खोल दिया है। उड़ना ना यार, पहले भी ये एक रात रह के आया बाहर, ये वाला कबूतर जो उड़ रहा है, अभी आ जाओ नीचे यार आ जाओ। तो अभी सारे बाहर आ गए हैं, इनको दाना डालो यार, अब हम इनको भी दाना डालते हैं। चिट्टी यार हमारी एक चिट्टी वाली कबूतरी थी तो वो हमारी घूम गई, एक रात बाहर रह गई, मैंने ऐसे ही खोला था तो फिर ऊपर उड़ गए, तो एक तो आ गया वापस जो मैं आपको बता रहा था, रात रह गया और दूसरा गायब हो गया। वो उधर तेरी गाइड उधर रखी हुई है, वो इधर आ गई है, चल उधर चल 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 शाबाश। मैं इधर यहाँ पर खड़ा होऊंगा, आप लोग यहीं पे खाओगे क्योंकि यहाँ पर हमारे कबूतरों का टाइम है डाइट का, और वो डाइट खाएं सुकून से। आप लोगों ने क्योंकि तंग करना है, आपसे डरना भी है उन्होंने, तो सुकून से अपनी डाइट यहाँ पर खाओ। तुम लोगों को पता नहीं क्या है, तुम लोगों इतनी चीज़ें, एक आपको घास डाला है, दूसरा हमने आपको मीठे में दिया हुआ है। चलो ये दाना भी थोड़ा सा खा लो यहाँ पर, चलो शाबाश यहाँ पर बैठ के खा लो, चलो शाबाश शाबाश यहाँ पर। अब उधर वाली साइड पर नहीं आना, उधर वाली हमारे कबूतरों का टाइम है, क्योंकि ये हैं नाजुक से, ये डर जाते हैं हमारे। तो रात को ना मुझे एक ख्वाब आया जिसमें मेरे चैनल का दिन ब दिन नहीं, मैं इधर ही यहाँ पर ही था छत पर, और मेरे चैनल मैंने देखा अली, आपको पता क्या देखा मैंने, देखा कि मेरे चैनल के ना जो सब्सक्राइबर हैं ऐसे बढ़ी जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे लाखों में चले गए मेरे सब्सक्राइबर, पता है तुम्हें। और मैंने ना भला क्या किया, मैंने यहीं पर ना मैंने सजदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि मेरा चैनल को तूने ग्रो कर दिया। तो यार सबसे ये है रिक्वेस्ट कि यार हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब है। सब्सक्राइब और बढ़ गया, 400 हो गए।
तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दे यार। ये 400 है ना, जो 400 है इसके आगे फटाफट से के भी लगे और फिर 4 के आगे एम भी लगे। तो आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है यार। रोज हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो इनके सेलिब्रेट करो। अब खा रहे हैं ना, ऐसे कहीं हमारा बंटी भी खाए ना सुकून के साथ, इनके साथ बैठ के सुकून से, जैसे भी सारा कुछ पड़ा। सोनू हमारे का तो पेट भरा हुआ है, वो तो चला गया मुंह मोड़ के उधर को। ऐसे ही बंटी भी खाए ना सुकून से। पिंकी तो खाएगी लेकिन बंटी नहीं खाएगा, पता नहीं क्यों। इसलिए यहाँ पर खाए तो हमारे माशाल्लाह से सारे ही ऐसे खुशगवार मूड में इकट्ठे बह कर सुकून के साथ खाया करेंगे दाना वगैरह। और हमारे कबूतर तो कबूतर हैं, ये तो खाते पीते हैं। अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक लास्ट में कर दीजिएगा, इनके साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं करोगे तो मेहरबानी होगी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। बंटी को और पिंकी को भी हमने दाना डाल दिया है, लेकिन मुझे ये सीन है कि यहाँ पर पिंकी ने हमारी ने अंडा भी दिया हुआ है। इसके बाद दाना खाता है ना, तो इसको बाहर निकालूंगा, बाहर निकाल के फिर मैं इसका अंडा उठाऊंगा, क्योंकि ये मुझे भी पड़ जाता है, मुझे भी काटता है। तो अंदर गया तो मुझे कहीं पकड़ के आहो।